खूंटी जिला रोडो गांव के निजामुद्दीन की मौत का मामला गर्माने लगा है। सूबे के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी रोडो गांव पहुंचे और घटना का जायजा लिया। मौके पर तीनों विधायकों ने कहा कि यह मॉब लिंचिंग की घटना है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बारह बजे पुलिस जाती है, उनके घर में जाती है। आरोप लगाया गया, दो आदिवासी छात्र को पकड़ा गया, वो उसको जेल भेज दिया। उसके बाद इसका भी नाम आया, तो ठीक है नाम आया, आप उस दिन में बुला लेते या रात में बुला लेते, आप एकदम लगा कि एकदम आतंकवादी की तरह आप उस परिवार को ट्रीट किए। रात में पहुंच जाते हैं, बारह बजे रात को आप पहुँचते हैं घर, एक गेट तोड़ते हैं, दूसरा गेट तोड़ते हैं, तीसरा गेट आप तोड़ देते हैं। यहाँ मैं देख क्या रहा हूँ इस राज्य में कि अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जाता है, उसको नीचा दिखाने का काम ये लोग करता है अपना। कुछ लोग तो वोट बैंक का तरह इसको यूज कर रहा है। किसी के घर में आप ऐसे ही चले जा रहे हैं और उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, खींच रहे हैं, उसकी जान चली जा रही है, आपको इसका लाइसेंस किसने दिया है? देखिए ये गठबंधन की सरकार, हम लोग चाहते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक दोस्ती बना रहे, लेकिन इस प्रकार के जो मानसिकता रखने वाले पुलिसकर्मी सरकार बख्शेगी नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर से यहाँ की भावना से अवगत हो, वो इस पे न्याय करेंगे। मैं इतना लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।